नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन सी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। बहुत दिनों से हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर, फेसबुक के पेज पर आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेहतर होता है। तो कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई भी चीज़ को EMI में परचेज करने के लिए, तो कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा रहता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको EMI नहीं करनी, खाली वो 50 डेज़ का जो टाइम होता है जिनमें आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, उस पीरियड में आपको यूज़ करना है और आपको टाइम पर बिल पे कर देना है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो दूसरा क्रेडिट कार्ड। तो हम स्टार्टिंग करते हैं दूसरे से। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को लेके 50 दिन तक उस पैसे को यूज़ करके आप बिल्कुल टाइम पे भर सकते हैं, तो आप किसी भी बैंक या किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप जब भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उससे पहले पता कर लें कि इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फ़ी है वो कितनी होनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनकी एनुअल फ़ी जो होती है वो होती है 500 के करीब में, लेकिन आप जैसे जैसे उनको अपग्रेड करते हैं प्लेटिनम गोल्ड में तो आपकी वो बढ़ती चली जाती है। तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लें, अगर आप 50 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सारे ही क्रेडिट कार्ड अच्छे होते हैं। और अब बात आती है कि आप अगर पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते या फिर कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं EMI पे, तो आपको वहां पर जो इंटरेस्ट लगता है, प्रोसेसिंग फी लगती है, वो कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको कम से कम फी और कम से कम इंटरेस्ट आपसे लेता है उस चीज के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और आपको अपने मोबाइल पर लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सा क्रेडिट कार्ड सस्ती EMI आपको देता है जब आप कोई भी चीज EMI पे परचेस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने फोन पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कौन सा क्रेडिट कार्ड सस्ता है और आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे MI Max 2 को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे EMI इसके चेक करूँगा और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कौन सा बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट ले रहा है मेरे से EMI के ऊपर में। तो इससे कौन से लें, कौन से कार्ड से खरीदें ताकि हमें सस्ता पड़े। तो सबसे ऊपर एक्सिस बैंक का यहाँ पे कार्ड आता है, तो सब में मैं देखूंगा 9 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कौन सी किस्त में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक्सिस बैंक में आप देख पा रहे हैं कि 12% मिल रहा है 3 से 6 महीने के लिए, 9 से 12 महीने के लिए 13% और 18 से 24 के लिए 15%। तो इस तरह सिटी बैंक का भी इससे महंगा ही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसके बाद आता है HDFC बैंक का डेबिट कार्ड, वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो HDFC का डेबिट कार्ड पे आप कभी मत लीजिएगा EMI पे। उसके बाद में आप देखेंगे तो सभी महंगे लगेंगे आपको, कोई भी सस्ता यहाँ पे है नहीं, सब में महंगा इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि आपको महंगा फ़ोन पड़ेगा, आपकी EMI बड़ी होंगी। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद में ICICI बैंक में भी देखेंगे, वो भी बड़ा ही उसका इंटरेस्ट जो हैवी इंटरेस्ट लगा रहे हैं। वो भी कोटक महिंद्रा में आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा रिलायबल है, लेकिन वो भी ज़्यादा ही है उसके हिसाब से। और इसके बाद जब आप नीचे आते हैं ज़्यादा, इसलिए क्योंकि वो 9th और 12th मंथ में आपसे 14% ले रहे हैं, वहाँ पर आपको 13% मिल रहा था। तो इसके बाद SBI कार्ड भी महंगा पड़ रहा है आपको, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी महंगा पड़ रहा है आपको, येस बैंक का भी आपको जो है महंगा नहीं पड़ रहा है, वो एकदम सही पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज़ जो कि आप लंबे टर्म में लेना चाहते हैं तो RBL बैंक का ले सकते हैं, क्योंकि 24 महीने की किस्त बनवाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यस बैंक का और एक्सिस बैंक का मैं सजेस्ट करूँगा, कि दोनों मुझे अच्छे लगते हैं, दोनों के इंटरेस्ट रेट सेम है लगभग। तो दोस्तों देखा आपने, एक्सिस बैंक और यस बैंक के क्रेडिट कार्ड है जिनमें कि आपको कम से कम इंटरेस्ट लग रहा है, सबसे कम इंटरेस्ट लग रहा है जब भी आप आइटम को EMI पे परचेस कर रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और अगर अब भी आप कन्फ्यूज हैं कि दोनों में से जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन सा लें, तो आप दोनों कंपनियों के में पता करें कि कौन सी कंपनी में कितना एनुअल फी आपको देनी पड़ेगी, जिसमें कम हो उसका परचेस करें, कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट दे रही है, अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको कितने रिवॉर्ड मिल रहे हैं ये भी पता कर लें, ताकि आप रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल आप कुछ भी परचेस करने के लिए, वाउचर या कुछ खाने के कूपन्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।